নমস্কাৰ বাতৰিলে স্বাগতম জনাইছো। অষ্টাদশ লোকসভা অধিবেশনৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ প্ৰথম অধিবেশন আজি অনুষ্ঠিত হ'ব। আমি পোনপটীয়া দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো। ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে সংসদৰ ভিতৰত। আজি যুটীয়া অধিবেশন তেওঁ সম্বোধন কৰিব। জি হা, পাৰম্পৰিক ৰাজদণ্ড চেংগোল কি আগুৱাই মে নিচলে সদন কে কক্ষ তক बढ़ती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों सदनों के महासचिव धीरे धीरे कदम लोकसभा की ओर बढ़ते हुए पारंपरिक राजदंड सेंगोल की अगुवाई में निचले सदन के कक्ष तक पहुंचती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। सदो महामहिम राष्ट्रपति जी। माननीय सदस्यगण, मैं 18वें लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी यहां देश के मतदाताओं का विश्वास जीतकर आए हैं। देश सेवा और जनसेवा का ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपना दायित्व निभाएंगे, 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेंगे। मैं श्री ओम बिरला जी को लोकसभा के अध्यक्ष की गौरवपूर्ण भूमिका के निर्वहन के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। उनके पास सार्वजनिक जीवन का बहुत व्यापक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि वे लोकतांत्रिक परंपराओं को अपने कौशल से नई ऊंचाई से देने में सफल होंगे। माननीय सदस्यगण, मैं आज कोटि कोटि देशवासियों को की तरफ से भारत के चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करती हूँ। यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था,
करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। बीते चार दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। पहली बार इस लोकसभा चुनाव में घर पर जाकर भी मतदान कराया गया है। मैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर कर्मी को सराहना करती हूं और अभिनंदन करती हूं। माननीय सदस्यगण, 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है।